नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डायबिटीज के बारे में, गलत फहमी हो सकती खतरनाक, आज ही दूर करें इन्हें के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। रक्त में शर्करा का ब्लड शुगर का एक सामान्य स्तर होता है। ब्लड शुगर मुख्य रूप से खून में ग्लूकोज की मात्रा को कहा जाता है। इसके अलावा शरीर में कुछ अन्य प्रकार की शुगर भी होती हैं, जैसे फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। खून में मौजूद ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसके बिना सभी अंगों को काफ नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी कारणवश दिल के रक्त प्रवाह में रुकावट आती है तो ऊर्जा के कमी से दिल की धड़कन रुक सकती है। इसे दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहा जाता है, जिसके कारण मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए शरीर के सभी अंग और उनके सेल में हमेशा ग्लूकोज की ठीक सप्लाई बने रहना जीवन के लिए बेहद जरूरी है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज के मरीजों के मन में इस बीमारी को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं और इस चक्कर में वे अपने स्वास्थ्य का ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे ही कुछ भ्रमों पर एक खास नज़र डालते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। डायबिटीज से पीड़ित लोग सोचते हैं कि वे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी ब्लड शुगर कम हो जाएगी। जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को एक्सरसाइज, इंसुलिन और आहार का संतुलन साधने की कोशिश करना चाहिए। फिर सही दवा लेते रहने पर कभी भी एक्सरसाइज की वजह से ब्लड शुगर कम नहीं होती है। डायबिटीज के नियंत्रण में एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और यह वजन नियंत्रण में भी मददगार होती है। शुगर लेवल का अंदाजा लगाना। अक्सर लोग अपनी शुगर लेवल का अंदाज ही लगाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी उन्हें थोड़े चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही है तो उनकी ब्लड शुगर कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार बुखार में भी ये सभी लक्षण होते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे इसलिए बार बार पेशाब जा रहे हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल ज्यादा है, जबकि ऐसा ब्लैडर इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जितना लंबे समय तक डायबिटीज रहती है उतना ही उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि ब्लड शुगर की जांच कराई जाए। इंसुलिन नहीं बनता। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्हें डायबिटीज है, मतलब उनके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन रही है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज के मामले में यह बात ठीक है, जबकि पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है उनके शरीर में इंसुलिन तो पर्याप्त बनती है, दिक्कत यह है कि इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं करती है। यहाँ इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज के अवशोषण में मदद नहीं कर पाती है। समय के साथ पैंक्रियाज भी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो उन्हें इंजेक्शन के सहारे ही इंसुलिन लेना पड़ता है। मीठा खाने से डायबिटीज होता है। अधिकतर लोग यह भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा शक्कर या मीठी चीजें खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप डायबिटीज के मुहाने पर खड़े हों। शकर युक्त चीजें ज्यादा खाने से सीधे डायबिटीज नहीं होती, बल्कि वजन बढ़ने का खतरा होता है और बढ़ता वजन ही डायबिटीज का कारण बनता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए शकर नुकसानदायक है, लेकिन वे सभी चीजें भी नुकसानदायक हैं जो शरीर में पहुंचकर जल्दी ही ग्लूकोज मुक्त करती हैं। इसमें प्लेन पास्ता, वाइट ब्रेड, नूडल्स और चावल शामिल हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।